सृष्टि का वह अजन्मा सत्य जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में विराजमान है, जो अपने आप में प्रकृति का पूर्ण स्वरूप और जो संसार के विनाश और सृजन का एक आधार है, वह मूलतः कोई और नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के जनक भगवान शिव हैं। जहां वैसे तो भारत देश में बहुत से प्राचीन शिव मंदिर हैं, पर मध्य प्रदेश के भितरवार जिले में स्थित धूमेश्वर धाम की एक विशेष मान्यता है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहां स्थित शिवलिंग पार्वती नदी के गर्भ से निकला था और जिसके बारे में माना जाता है कि यह अपने आप में स्वयंभू है। तो मित्रों, धूमेश्वर धाम से जुड़े सत्य और उससे जुड़े चमत्कारिक प्रभावों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं मध्य प्रदेश के भितरवार में स्थित प्राचीन मंदिर धूमेश्वर धाम की ओर, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं एक और नए सफ़र पर। तो आइए फिर चलते हैं। तो मित्रों, धूमेश्वर धाम का यह मंदिर ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर भितरवार जिले में पड़ता है और यहां आप अपने साधन से जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं धूमेश्वर धाम। ये यहाँ की पार्किंग है और गाड़ी यहीं पर पार्क करते हैं। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं मंदिर की ओर और जो यहाँ के महाराज जी हैं उनके माध्यम से इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। धूमेश्वर धाम की जो प्राचीन धूमेश्वर धाम सदियों पुराना, यहाँ कब किसने इसकी नींव रखी है आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतिहास के अंतर्गत जो है लोग कहते रहते हैं, हम भी पूर्व लोगों से जो सुनते आए हैं अपने परंपराओं से, साधु परंपरा से, सन्यासी परंपरा से, तो ऐसा लोग ये नागवंशी राजाओं का जब राज रहा था यहाँ, तो यहाँ जो पद्मावती नाम से नगर रहा, पद्मावती, पवाया, मधुवती मथुरा और यवंतिका उज्जैन, ये तीनों नागवंशी राजाओं का राज रहा। उस समय ये बहुत बड़ा राज रहा था उस प्राचीन काल से। उसके बाद यहाँ परमारों का भी राज रहा। बीच बीच में यहाँ जीर्णोद्धार होते रहे, तो उसके बाद यहाँ जीर्णोद्धार और छानस ने भी कराया, जीवराज सिंधिया ने भी यहाँ और जीर्णोद्धार कराया भगवान का। तो ये बहुत प्राचीन शिवालय जो है, स्वयंभू हैं, एक हमारे स्वयंभू और पास में ही इनके पास में, वो अपने आप स्वतः निकले हुए भगवान शिव हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान धूमेश्वर पर जो भी आते हैं सोमवार, पाँच सोमवार परिक्रमा करते हैं, यहाँ का जल ग्रहण करते हैं, यहाँ से कोई भी पत्ती खा करके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की मंत्र बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से लेकर के आसपास संभाग क्षेत्र है, दिल्ली से लेकर के, आगरा से लेकर के आसपास से बहुत से लोग आते हैं। कई प्रकार की बीमारियाँ भगवान धूमेश्वर भगवान पर आने के बाद समाप्त हो जाती हैं। यहाँ भगवान संकल्प सिद्ध, भगवान शिव जी का नाम संकल्प सिद्ध, हम लोग संकल्प सिद्ध शिव जी कहते हैं। तो यहाँ जो है मनोकामना भगवान पर आने पर, इतने भक्त आप बैठे हैं सुबह से, यहाँ आज सोमवार का मेला हुआ है, लोग एक दिन पहले ही आ जाते हैं, रात्रि में आ जाते हैं, तो यहाँ भजन कीर्तन करते हैं लोग, यहाँ भजन 24 घंटा ओम नमः शिवाय का अखंड धुन चल रही है। तो वास्तु जो सिद्ध पीठ है, स्वयंभू शिवलिंग है, भगवान स्वयंभू हैं, तो यहाँ भगवान की अत्यंत महिमा है। यहाँ आने के बाद मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिसकी जो पूर्ण, यहाँ तक जो भगवान जो निपुत्री होते हैं संतान, उनके लिए भी भगवान शिव वरदानी हैं। यहाँ कईयों के जो है 60-60 बैठे हैं, सरपंच साहब और भी आसपास बैठे, तो यहाँ 50-50 साल वाले जो है वो बालक होते हैं, तब हुए हैं, अभी ऐसी कई महिमा है, सब लोग पता है।
विशेष यहाँ की महिमा है भगवान की, अपने आप यहाँ पूजा हो जाती। कई लोगों ने ऐसा देखा जल चढ़ा हुआ, कई लोगों ने, यहाँ की विशेष महिमा है। यहाँ जो भी आते हैं भक्तजन भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो दूर दूर से आते भक्त महाराष्ट्र तक के आते हैं, महाराष्ट्र में इनका मंदिर भी बनाए हुए हैं लोग, तो उनको तो भगवान चमत्कारी भगवान कहते हैं। महाराष्ट्र के लोग जो आते हैं वो चमत्कारी भगवान, जो भी आते हैं निवेदन लेकर वो सोमवार करते हैं, पाँच सोमवार करने के बाद वो उनकी मनोकामना भगवान धूमेश्वर पूर्ण कर देते हैं। अभी हमारे जज साहब थे, उनकी भी निवेदन लगाया था, उन्होंने भी निवेदन लगाया भगवान के पास, वो भी हाईकोर्ट बने। तो ऐसी जो नौकरियों में जिनकी बाधा आती है, नहीं लगती, वो भी यहाँ आते हैं, बहुत भक्तजन आते हैं, अपना निवेदन लगाते हैं भगवान के पास। और संकल्प सिद्ध भगवान शिव जी हैं। देखो भगवान तो सर्वत्र हैं, और दुनिया साधना होती है वहाँ सिद्धि होती है। ठाकुर जी तो सर्वत्र हर व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो भगवान सर्वत्र होने पर भी यहाँ साधना की जाती है, वहाँ सिद्धता आ जाती, सिद्धि आ जाती है वहाँ, वहाँ का वातावरण। यहाँ जैसे मान लीजिए अभी ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, पंचाक्षर मंत्र जो महामंत्र है, 2400 घंटा आसपास के क्षेत्र के लोग आकर के बराबर कई वर्ष से यहाँ बराबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान का शिव का रुद्र अभिषेक होता है, यहाँ तक कि लोग यहाँ के संभाग के लोग भगवान को इनको विश्व मिनी विश्वनाथ, दूसरे विश्वनाथ, दूसरे महाकाल के रूप में जानते हैं। तो वास्तविक उनका स्वरूप भी आप देखते बनता है, यहाँ रोज़ अभिषेक होता है भगवान का, महाकाल जैसा ही श्रृंगार भी होता है भगवान धूमेश्वर भगवान का। और यहाँ जो भी भक्त आता अपने हृदय से सच्चे मन से और यहाँ निवेदन करता है भगवान के चरणारविंदों में, उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आसपास क्षेत्र के सभी समस्त भक्तजन आसपास दूर दूर से लोग आते हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अभी एक बागरा से भक्त आया था, उसके बालक के दिल में छेद था, बालक के, तो यहीं धूमेश्वर आए आगरा से, आया परिक्रमा की, ठाकुर जी कृपा से उसके वो छेद सही हो गया। कई प्रकार की मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती। अभी अभी जो है अगली वर्ष की बात थी, तो यहाँ जो बालक आया बैठा आपके सामने बैठा, ये बालक बैठा इधर, तो इसे भी इसके पिताजी लेके आए थे, यहाँ बड़ी बुरी हालत में लेके आए थे, बम्बई से लाए थे। तो यार ठाकुर जी कृपा यहीं बिल्कुल यहाँ रह करके ठाकुर कृपा से बिल्कुल स्वच्छ हो गया, वो बढ़िया भगवान कृपा से स्वच्छ है, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ऐसी यहाँ की महिमा है भगवान पर, जो भी आते हैं भगवान पर। भगवान शिव तो एक ऐसे भूत भावन भोलेनाथ कृपालु है, आस तोस तुम अवडर दानी आरत हरो दिन जन जानी, तो कृपा करते हैं। और ऐसे ही नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं भगवान के पास, तो जो भी आप मन से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, मन से जो भी आप चढ़ा दो भगवान को, जो भी आपसे बन जाए भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं हम ज़्यादा सामग्री लाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, बस हृदय से चढ़ाओ भगवान को, मन से चढ़ाओ भगवान को, दूध हो जाए दूध से भगवान प्रसन्न हो जाते, जल से ही हो जाते, अरे कुछ ना हो सूखा बिलपत्र उसी से भगवान शिव जी तो प्रसन्न हो जाते। ऐसे आस्तोस भगवान हैं, धूमेश्वर भगवान हैं, तो इनकी कई महिमा हैं, कई प्रकार के इनके चमत्कार हैं यहाँ के धूमेश्वर भगवान के, अगर बताने लगें तो बहुत समय हो जाता। तो सबसे बड़ी महिमा है भगवान की, भगवान को मानने की महिमा है, भगवान को हृदय से, और हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो गुरु वाक्यसु सुस्मरण दीनत्व भावना, हम साधना करें भगवान के प्रति एक आस्था स्नेह प्रेम विश्वास, जब तक नहीं होगा तब तक कामना भी हमारी पूर्ण नहीं होती, तब तक सिद्धि नहीं हो सकती। वैसे हमारे धूमेश्वर भगवान यहाँ सभी लोग आते हैं, दूर दार से भक्त आते हैं, शिवरात्रि को यहाँ विशेष मेला लगता है, लाखों के तादाद में भक्तजन आते हैं दूर दूर से, हर सोमवार को, यहाँ तक कि हर रविवार, रविवार को रात्रि में लोग आते हैं, रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, दूर दार से लोग आकर के कीर्तन भजन करते हैं और सुबह स्नान करते हैं, सुबह भी यहाँ सोमवार में दूर दूर से भक्त आते हैं, अभी आप सब देख रहे हो। तो मैं विशेष यहाँ का महत्तम है, यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है धूमेश्वर भगवान कृपा से। और ये बहुत प्राचीन सिद्ध स्थल है, यहाँ 500 समाधियाँ हैं संत महात्माओं की, तो ये माना जाता है। तो यहाँ वास्तव देखिए आप खुद कि भगवान का इतना प्राचीन स्थल, यहाँ आने पर सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे धूमेश्वर धाम में सभी लोग आए आते रहते हैं। धूमेश्वर भगवान की जय। तो मित्रों इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर काफी पुराना है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर अलग अलग राजवंशों के द्वारा कराया गया है। मूलतः इस मंदिर का निर्माण नागवंशियों के द्वारा कराया गया था, जिसका जीर्णोद्धार 1605 से लेकर 1627 के बीच ओरछा के राजा वीर सिंह जू देव ने करवाया था, और उसके बाद 1636 से 1638 के बीच इस मंदिर का जीर्णोद्धार जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। तो मित्रों पहले इस मंदिर का मूलतः
क्षेत्र में बना हुआ था और बाद में इस मंदिर का आगे वाला भाग बनवाया गया था। तो मित्रों, यह मंदिर कितना पुराना है इसका अनुमान लगा पाना तो काफी असंभव है, पर इस मंदिर के बारे में पड़ताल करने पर मात्र सिर्फ इसके जीर्णोद्धार की जानकारी ही सामने आती है। तो मित्रों, ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है सिंध नदी। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है वो इसी के गर्भगृह से निकला है, और अभी आपको ये काफ़ी सूखी सूखी सी लग रही है, लेकिन बारिशों के दिनों में यहाँ काफ़ी बहार रहती है और काफ़ी हरा भरा और काफ़ी पानी बहता है यहाँ से। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दृश्य होता है धूमेश्वर धाम की इस जगह का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।